हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अपने एमपी जीके की सीरीज में मैंने आपके सामने चार वीडियो अपलोड कर दिए हैं, ओके? और आशा भी यही करती हूँ कि आपको वो समझ में आए होंगे और वो आपने अच्छे से देखे होंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आजादी के समय से लेकर वर्ष 1956 तक की मध्य प्रदेश की स्थिति क्या थी, मध्य प्रदेश का स्वरूप कैसा था। और उसके साथ ही पिछले वीडियो में मैंने आप सबसे कुछ सवाल किए थे, वो सवाल बहुत सरल थे, वो मैंने आपको अपने वीडियोस में बताए भी थे, वो अच्छे से मैंने बताया भी था। और उसके अलावा वो बहुत सरल थे, जनरली अगर एमपी आपने कभी पढ़ी हो या फिर थोड़ी बहुत भी अगर जानकारी हो तो वो आपसे बन जाते। और उन सवालों के जवाब मेरे पास केवल 8 से 10 लोगों द्वारा आए हैं, एकदम सही, ओके? उन सब लोगों को मैं अपनी तरफ से एक्सीलेंट, वेरी गुड बोलना चाहूंगी कि वो एक्टिव है और वो मेरे साथ जैसा मैं बोल रही हूँ। देखिए, मेरा मकसद कोई बिजनेस माइंडेड, मैं कोई बिजनेस वुमन नहीं हूँ, ओके? मैं केवल आपके खुद के, मेरे अंदर जो भी नॉलेज है वो मैं आपके साथ शेयर करने के लिए मैं इस प्लेटफॉर्म पे आई हूँ। सपोज दैट अगर मैं कोई ऑफलाइन कोचिंग खोलती हूँ, वहां पर अगर मैं इंदौर में कोचिंग खोलती हूँ, मैं एग्जांपल लेके बोलती हूँ, अगर मैं इंदौर में कोचिंग खोलती हूँ, ऑफलाइन कोचिंग डालती हूँ, तो मेरे पास केवल इंदौर के लोग और इंदौर में भी कौन, जो मेरे आसपास जो जानकारी जिन्होंने प्राप्त होगी, केवल वो आ पाएंगे। लेकिन ऑनलाइन स्टडी, ऑनलाइन एजुकेशन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर मैं हर किसी को, जिन्हें भी इनकी जरूरत है, अब मेरे इन वीडियो की जरूरत है, हर किसी तक मेरे वीडियो पहुँच पाएंगे, ओके? तो इसका मतलब क्या है कि मैं कोई बिजनेस वूमन नहीं हूँ, मैं किसी बिजनेस के उद्देश्य से मैं अपने वीडियो चला नहीं रही हूँ, मैं केवल आपके लिए वीडियो चला रही हूँ और आपके लिए मैं मेहनत कर रही हूँ। और मैं यही आशा करती हूँ, मैं आपसे यही एक्सपेक्टेशन करती हूँ कि मैं मेहनत कर रही हूँ तो मेरे साथ आप भी मेहनत करते चलिए। और मेरे साथ जो मैं बोलती हूँ, अगर आप नहीं कर पा रहे 100%, मैं चलो 100% मैं मानती हूँ आप नहीं 100% नहीं कर पा रहे, कम से कम 50-60% करने की तो कोशिश करो। मैंने इतने इजी क्वेश्चन पूछे थे और 8 से 10 लोगों के अलावा किसी ने आंसर नहीं दिए हैं उसके। मुझे इस बात का बहुत ज़्यादा दुख है। क्या वो 8 से 10 लोग किसी अदर प्लेनेट से आए हैं और वो 8 से 10 लोग हमेशा हमेशा मेरे वीडियोस के लिए एक्टिव रहते हैं और हमेशा एक्साइटेड रहते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, कौन कौन सी चीजें पढ़नी है, कौन कौन सी चीजें कवर करनी है, ठीक है? मैं यही चाहती हूँ कि उनकी तरह आप सब भी बनिए। मेरा उद्देश्य यहाँ पर आपको गिल्टी फील कराना बिल्कुल नहीं है, केवल आपको यह बताना है कि आपको भी उनकी तरह तत्पर रहना पड़ेगा। एग्जाम्स इतने नजदीक हैं, अभी आपकी एज ऐसी है, देखिए मैं ये मान के चलती हूँ कि जो भी पढ़ाई आप, जो भी तैयारी कर रहे हैं, सारे लोग अंडर 30 होंगे, ठीक है? अंडर 30 आप तैयारी के दौरान आपकी एक ऐसी एज होगी, ऐसी एज होती है और आपका माइंड ऐसे डायरेक्शन में भागता है ना कि आप जो सोचते हो, आप मानते हो कि वो ही सही है और आप उसी दिशा में भागते चले जाते हो और आपको दूसरों की बताई हुई चीजें अच्छी नहीं लगती हैं, ठीक है? तो थोड़ा आप इस मेंटेलिटी को चेंज करें। मैं आपको कोई प्रवचन नहीं दे रही हूँ, अगर आपको थोड़ी सी भी ऐसा लगता है कि मेरी बातें सही है तो प्लीज एक्सेप्ट कीजिए। आपका सिलेक्शन होगा तो आप मुझे या फिर किसी अपने फ्रेंड को, अपने घर, यहाँ तक कि आजकल तो अपने घर वालों को भी कोई नहीं देता, आप खुद के लिए करोगे। आप IAS बन जाओगे, आप PCS बन जाओगे, फिर आप कोई वनडे एग्जाम में क्वालिफाई करते हो ना, तो आप खुद के लिए करोगे, उसमें आपका नाम होगा और आपका प्लेटफॉर्म अच्छा बनेगा, आपका पैशन आपका होगा, ठीक है? आप मेरे लिए या किसी और के लिए नहीं करोगे। तो इसमें मेरा क्या बनता है कि मैं आपको इतना मैं आपको फोर्स करूं पढ़ने के लिए, लेकिन मैं चाहती हूं कि आपके पास सोर्सेस अगर नहीं है, और सोर्सेस होने के अलावा भी कई लोग ऑनलाइन क्लासेस घर बाहर नहीं जाना चाहते, अपने घर पे, अपने रूम पे बैठ के और देखना चाहते हैं, और बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है ये, आप सिलेक्शन पा सकते हो। हाँ, ऐसा देखिए, मैं किसी की बुराई नहीं करूंगी, लेकिन बहुत से ऐसे भी चैनल्स हैं जिसमें थोड़ा एक टाइम पास के लिए किया जाता है, लेकिन मैं यहाँ पर टाइम पास करने बिल्कुल नहीं आई। और मैंने आपसे एक बार नहीं, कई बार कहा कि मैं भी आपकी तरह एक बिगनर हूँ, मैं भी आपकी तरह एक फ्रेशर तैयारी के दौरान ही, दौर में ही चल रही हूँ। मेरे पास जो भी नॉलेज है मैं वो आपके साथ शेयर करती हूँ, मैं आपसे बोलती भी हूँ कि अगर आपको ऐसा कुछ लगे कि आपको वो मुझे बताने की जरूरत है तो आप बिल्कुल बता भी सकते हैं, ठीक है? तो फाइनल मैं आपको ये बोलना चाहूंगी कि आप भी उन 10 लोगों की तरह बनिए। मेरे एक या दो टॉपिक कंप्लीट होने के बाद मैं आप सबका टेस्ट लूंगी, और टेस्ट में आप प्लीज मुझे हताश मत करिएगा, और टेस्ट में ज्यादा से ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करिएगा, ओके? मुझे हताश नहीं कीजिएगा, क्योंकि देखिए मैं आपके साथ मेहनत कर रही हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप भी मेरे साथ उतनी मेहनत करें, और साथ ही अगर आप
नहीं देखोगे, इंटरेस्ट से वीडियो नहीं देखोगे, या फिर आप अगर आपको, चलो आपने इंटरेस्ट से देखा, आपको सब आता है, लेकिन आपने आंसर नहीं दिया, तो मुझे क्या लगेगा अंदर से कि आपको कोई मतलब नहीं है, आपको मेरी इस मेहनत से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो प्लीज प्लीज मेरी मेहनत का फल मुझे दीजिए, मुझे आंसर कीजिए, मुझसे जो भी क्वेश्चन हो मुझे वो कीजिए। चलिए क्वेश्चन तो आते हैं, क्वेश्चन की कोई बात नहीं है, क्वेश्चन आते हैं मेरे पास, लेकिन आंसर भी कीजिए। जो मैं पढ़ा देती हूँ अगर वो आपने अच्छे से पढ़ा है तो प्लीज आंसर कीजिए। वो मैं आपके लिए कह रही हूँ, अपने लिए नहीं कह रही हूँ। MBBSC नवंबर में आ जाएगी, उसके अलावा SI जो भी एग्जाम आप दे रहे होंगे, देखिए MP आपको हर एग्जाम में इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है, अगर आप MP का कोई भी एग्जाम देते हो तो MP जरूर पूछी जाएगी। कोई भी एग्जाम दोगे आप, उसमें जब MP पूछी जाएगी और उस टाइम पे जब आपसे नहीं आएगी ना क्वेश्चन, तब आपको लगेगा कि काश मैं पढ़ लिया होता। ठीक है, तो अब ये सब बातें मैं स्किप करती हूँ और मैं अपने टॉपिक की ओर चलती हूँ, और अच्छे से पढ़िएगा प्लीज। ओके, चलिए मैं अपने टॉपिक की ओर चलती हूँ। मैंने पिछली वीडियो में बताया था 1956 तक की स्थिति, और ये भी बताया था कि जो फाइनल कमेटी बनी थी, जो लास्ट कमेटी बनी थी जीरो के गठन के लिए, वह थी फजल अली कमेटी, फजल अली आयोग, जो कि कब तैयार हुई थी, कब बनी थी ये, 29 दिसंबर 1953 को, और इसने 1955 को अपनी रिपोर्ट सौंपी और भाषाई आधार पर जिलों के पुनर्गठन की बात कही उसका, और 1 नवंबर 1956 को 14 जिलों का इसने गठन कर दिया। इसी के तहत, इसी कड़ी में 1 नवंबर 1956 को हमारे मध्य प्रदेश का भी गठन हो जाता है। मध्य प्रदेश का गठन होता है और मध्य प्रदेश के गठन के परिणाम स्वरूप अनेक परिवर्तन किए जाते हैं, जिनमें 4 से 5 परिवर्तन बहुत मुख्य मुख्य होते हैं। ओके, हम देखते हैं क्या परिवर्तन होते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो पार्ट ए था, CP बरार बघेलखंड, जो पार्ट ए था इसमें, जिसकी राजधानी नागपुर थी, उसमें मुंबई के भी कुछ क्षेत्र शामिल थे। मुंबई महाराष्ट्र का कोई अस्तित्व नहीं था, मुंबई एक राज्य था, मुंबई के भी कुछ क्षेत्र, सॉरी मुंबई के नहीं, वो तो पहले मध्य प्रदेश के ही कहे जाएंगे, वो कुछ क्षेत्र अलग कर दिए गए। परिवर्तन क्या क्या किए गए आप याद रखिए, निम्न परिवर्तन किए गए 1 नवंबर 1956 को। पहला परिवर्तन याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बुल्ढाना नाम है ये, क्षेत्रों का नाम था बुल्ढाना, अकोला, अमरावती, यवतमाल, वर्धा, नागपुर, भंडारा और चांदा, ये जो जिले थे इन्हें तात्कालीन मुंबई राज्य में मिला दिया गया। ठीक है, इन क्षेत्रों में ये जिले शामिल थे और इन्हें मुंबई राज्य में मिला दिया गया। किन्हें किन्हें, बहुत इंपॉर्टेंट है, बुल्ढाना, अकोला, अमरावती, यवतमाल, वर्धा, नागपुर, भंडारा और चांदा। देखिए रटेंगे तो उतना जल्दी याद नहीं होगा, कई बार पढ़ने से आपको ये चीजें याद हो जाएंगी। ओके, तो इन्हें क्या किया गया, मुंबई राज्य में मिला दिया गया, पहला परिवर्तन, बहुत इंपॉर्टेंट है पहला परिवर्तन। ठीक है, अब हम दूसरे परिवर्तन की ओर आते हैं। दूसरा परिवर्तन क्या किया गया, देखिए जब ये कंप्लीट हो जाएगा ना, तो मैं आपको कंप्लीट MP का मैप करके और सारे जिलों की स्थिति भी बता दूंगी। तो अभी ये याद रखिए कि यहाँ पर मंदसौर जिला था, है भी, हालांकि मंदसौर से एक और जिला अलग हो गया है नीमच, यहाँ पर मंदसौर जिला है। मंदसौर जिले की भानपुरा तहसील, मंदसौर जिले में भानपुरा तहसील है। उस तहसील के सुनेर टप्पा को छोड़कर मंदसौर जिले में भानपुरा तहसील की सुनेर टप्पा स्थान को राजस्थान को दे दिया गया। यहाँ पर क्या है राजस्थान, वो भी आपको पता चल जाएगा कुछ दिनों के बाद। तो मंदसौर जिले में एक भानपुरा तहसील थी और इस तहसील का एक स्थान था सुनेर टप्पा। इस सुनेर टप्पा को दे दिया गया राजस्थान में, इस क्षेत्र को, सुनेर टप्पा नामक स्थान को दे दिया गया राजस्थान में, और जो शेष बचा क्षेत्र था उसे मध्य प्रदेश में मिला दिया गया। तो दूसरा परिवर्तन क्या था कि मंदसौर जिले की भानपुरा तहसील के सुनेर टप्पा को छोड़कर शेष भाग मध्य प्रदेश में मिला दिया गया। ओके, अगला परिवर्तन देखते हैं, राजस्थान के कोटा जिले से, राजस्थान ये देखिए मध्य प्रदेश में आप थोड़ी सी ऊपर जाएंगे यहां पर, यहां के आसपास, तो कोटा जिला मिलेगा राजस्थान का। कोटा आपने नाम सुना होगा, IIT की कोचिंग के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। तो कोटा जिले में एक तहसील थी और इसका नाम था सिरोज तहसील, सिरोज तहसील। ठीक है, तो कोटा जिले की सिरोज तहसील को विदिशा में मिला दिया गया। विदिशा मध्य प्रदेश का एक जिला है। ओके,
तो कोटा के सिरोंज तहसील को मध्य प्रदेश के विदिशा में मिला दिया गया। तो पहला परिवर्तन तो ये हुआ, दूसरा परिवर्तन हुआ सुनील टप्पा को दे दिया गया राजस्थान को, और तीसरा परिवर्तन हुआ कि सिरोंज तहसील को विदिशा में मिला दिया गया। चौथा परिवर्तन हुआ संपूर्ण विंध्य प्रदेश जो पार्ट सी का हिस्सा था, संपूर्ण विंध्य प्रदेश और उसके साथ साथ भोपाल को भी मध्य प्रदेश में शामिल कर लिया गया। ठीक है, आया समझ में? और इन सब के बाद, इतने सारे परिवर्तनों के बाद आपके सामने ये जो मैप बना हुआ है, कुछ ऐसी स्थिति, ऐसा मैप मध्य प्रदेश का तैयार हो जाता है। छत्तीसगढ़ भी शामिल था, 2000 के पहले की स्थिति की मैं बात कर रही हूँ। ओके, तो ये ऐसा मैप तैयार हो जाता है। और जब ये सारे परिवर्तन कर दिए गए तो इन परिवर्तनों के पश्चात मध्य प्रदेश एक नवीन राज्य बनकर उभरा और इस राज्य में 1 नवंबर 1956 की स्थिति में 1956 की स्थिति में 43 जिले बनकर सामने आए, 43 डिस्ट्रिक्ट, 43 जिले बने। आगे समझ में? ये सारे जब परिवर्तन कर दिए गए तो उसके पश्चात मध्य प्रदेश में 1 नवंबर 1956 की स्थिति में मध्य प्रदेश का जो नवीन स्वरूप उभर कर सामने आया, उसमें 43 जिले बने। आगे समझ में? अब 43 जिले बन गए, मध्य प्रदेश का एक ऐसा नक्शा हो गया। ठीक है, आपके सामने ये जो मैप दिख रहा है, ये मैप तैयार हो गया एमपी का। अब मध्य प्रदेश में बाहरी पुनर्गठन तो हो गया, राज्य बन गया। अब कुछ समय पश्चात मध्य प्रदेश में आंतरिक पुनर्गठन शुरू हो गया। आंतरिक पुनर्गठन अर्थात जिलों का बनना, जिलों का अलग होना शुरू हो गया। अब आंतरिक पुनर्गठन की घटना हम आगे देखते हैं। आंतरिक पुनर्गठन के बाद मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या बढ़ती गई और बढ़ते हुए आज वर्तमान में जिलों की संख्या 51 पहुंच गई है। ठीक है, बीच में छत्तीसगढ़ पृथक हुआ, कई सारी घटनाएं हुई। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अब आंतरिक पुनर्गठन की जो घटनाएं, आंतरिक पुनर्गठन कैसे हुआ, कौन कौन सी समितियां तैयार हुई, वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप इस जो भी मैंने बताया उसे अच्छे से याद कर लेंगे। जो भी परिवर्तन हुए, बहुत इंपॉर्टेंट परिवर्तन हुए थे, एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप इन परिवर्तनों को अच्छी तरह से याद कर लेंगे। ओके, तो थैंक यू वेरी मच।